Hi guys, very good morning. My name is Kanishka and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my vlog. This is my vlog 1 और आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से चुलकाना धाम जाएंगे. It's about I guess 70 to 80 kilometers I guess से. Yes, ये इतना किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है दिल्ली से, मतलब मेरे घर से चुलकाना धाम का, मेरे घर से हरियाणा का. बेसिकली चुलकाना धाम तो खाटू श्याम जी का मंदिर है, सब लोग जानते होंगे. नहीं भी जानते हो तो दिस इज द प्लेस जहां पे खाटू श्याम जी ने, मतलब यानी कि बर्बरीक ने एक तीर से सारे पत्तों में छेद कर दिया था. दिस इज द प्लेस, मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या है. द स्टोरी इज लाइक कि आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, सो हम लोग जाएंगे वी बाइक और लाइक वी बुलेट. सो हम लोग वहां जाएंगे, देन हमें इस रास्ते में हमें बीच में फेस करना है एक बॉर्डर, हमें फेस करना है किसान आंदोलन, विच इज रियली रियली बैड थिंग. क्योंकि मैंने बहुत लोगों की मुझसे सुन लिया है, सब लोग बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से वहां पे रोड स्टक हो रखे हैं, पर फिर भी वी आर टेकिंग द रिस्क. सो लेट्स बिगिन दैट थिंग. और मेरे कंपेनियन अभी आने वाले हैं तो मैं वेट ही कर रही हूँ. 11 बज चुके हैं, 10 बजे का टाइम था, 6 जून है आज, कल से लॉकडाउन खुलने वाला है. वेरी एक्साइटेड. सो ठीक है, कोई बात नहीं, काम करते हैं, शुरू करते हैं ब्लॉग को. और बाय 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 बाय. दिस इज आवर सवारी और ये अभिषेक है. हेलो करो, चले वाली सड़क. सब कुछ बंद और हमने यहाँ रुक कर पानी पिया, बहुत ज्यादा लग रहा था. और बैठे बैठे तो भाई पीछे नितंब के बुरे हाल हो गए हैं. तो अभी मुझसे ज्यादा हाल नितंब डीसी के बुरे हैं. शक्ल दिखाना अपनी, ये देखो उसकी बहुत दर्द है. आई गेस हमारा 20 मिनट का रास्ता और है तो, पर धूप में 20 मिनट का रास्ता भी भारी लग रहा है. पर चलते हैं, मास्क ऑन, बाय बाय, चलो.
सीधे चलो। ये राइट दिखा रहा है, ये राइट दिखा रहा है ना, देखो ना क्या पता यहाँ से मंदिर का रास्ता, ये मंदिर इधर से खुल रहा है नहीं खुल रहा। दो रास्ते है ना कि यहाँ से, ये है मेन रास्ता, आ गए मेन रास्ते पे, ये मेन मंदिर वही है, यही मंदिर है। मैंने मंदिर आपको आउटर से दिखा दिया है, इनर से मंदिर है। अच्छा, ये वही जगह जो मैंने आपको बताया था, वही एंशिएंट प्लेस है जहाँ पे बर्बरीक ने पीपल के पेड़ के पत्तों को एक तीर से छेदा था। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगी वो पेड़ कहाँ पे है, वो पत्ते कहाँ पे है, वो एक्चुअल में जगह यहाँ पे है, आई कांट बिलीव इट। और व्लॉग का भी ये वाला पार्ट, अभी बहुत सारी चीजें रहती है, तो एक बार मंदिर चलते हैं। और मेरे साथ में एक बार अभिषेक से पूछ लेते कैसा लग रहा है आकर। हाँ अभिषेक, कैसा लग रहा है? बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत शांति है। इतनी सारी ड्राइव के बाद में मजा आ रहा है? हाँ, वो थोड़ा रेस्ट चाहिए था, लेकिन अब कोई बात नहीं, मंदिर तो मंदिर। अब क्या लग रहा है मंदिर के अंदर इतना शांति है, अभी मंदिर में बैठकर रेस्ट करना? हाँ, जगह मिलेगी तो करेंगे। बहुत बड़ा अच्छा प्रमाइसिस बना रखा है मंदिर का। ये उसलिए भी है कि जब 11 पे भीड़ होती है यहाँ पे, तो लोगों को जगह मिल जाए आराम से। लोग देखो सारी चीज, सारी फैसिलिटी कर रखी है, मजा आ रहा है। अच्छा एक बार बताओ, मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। वैसे कैमरा तो अलाउड नहीं है, बट हाँ जितनी कोशिश होगी मैं जितना दिखा सकती हूँ वो बात जरूरी है। अभी तो फिलहाल लाइन में अंदर जाएंगे, फिर आज भी छेद है। लेट्स सी, देखते हैं वहां जाने देते नहीं देते हैं। चलो चलो, महाभारत के टाइम से, यानी कि 5000 साल पहले से आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। और ये इसी पेड़ पे हर 2 महीने बाद भी जो नया पत्ता आता है उसमें 3 छेद हो जाते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग मुझे बता रहे हैं, जैसे मंदिर परिसर के जो लोग हैं, वो मुझे बता रहे हैं इस चीज के लिए कि 3 छेद होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो 6 होगा पत्ते में, और देखने को जरूर मिलता है। तो बहुत एंशियंट चीज है। और श्याम बाबा की सबसे प्यारी चीज यही लगती है मुझे कि एक चीज हमें देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। और ये पेड़ तो अपने आप में साक्षी है कि श्याम बाबा कितने कितने अवतारी और क्या क्या चीजें होने वाली है। मैं चाहूंगी इस प्लेस के लिए आने के लिए, एक बार चुलकाना धाम के लिए, अगर आप लोग कभी भी कहीं विजिट करना चाहते हो लॉकडाउन के बाद में, तो फर्स्ट टाइम एक बार चुलकाना धाम जरूर आओ।
और ये पेड़ जरूर देखना मत भूलना, क्योंकि 5000 साल पहले जो महाभारत की चीजें लिखी गई है ना, वो चीज अगर आज सामने को देखने को मिले ना तो कोई विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास कर रही हूँ, आओ दिखाती हूँ। कैसे कैसे पत्ते आते हैं और कैसे कैसे छेद हो जाते हैं पत्तों में। पत्ते तो रहेंगे ऐसे ही, पर अच्छा छेद हो जाएंगे। अच्छा छेद हो जाए, तीन छेद हो रहा मैं। तीन छेद हो जाए, मतलब जैसे भी नए नए पत्ते आ रहे हैं इसमें हो नहीं पे। हाँ अपने होगा ना, आप हो जाएंगे अपने आप हो जाते हैं। आपने तो देखे ना पत्ते जैसे, सब यहाँ मिट्टी में। हाँ तो देखो आंटी ने यहाँ पे सारी चीज देखी है, पत्ते आते हुए। मैंने यहाँ पे आप होंगी बहु हूँ। अरे बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। श्याम बाबा का बस ऐसे याद है जी। तो देखो ये पत्ते आंटी ने बता दिया यहाँ पे कि पत्ते आते हैं, छेद आते हैं और बहुत देखने को मिल जाता है यूजली। एक बार पेड़ देख लो, पेड़ का ओवरव्यू आगे पीछे से कैसे कैसे है। पेड़ कहाँ रह गया जो 5000 साल पहले महाभारत में बताया गया था, वो पेड़ भी यही है, वो कुंड भी यही है, वो सारी चीजें यही है। आइए एक बार चुलकाना धाम के दर्शन जरूर करिए। देख लिया कैसा कैसा रहा है, क्या क्या चीजें हमने करी है, कैसे कैसे हम आए हैं अटकते झटकते, और अब ये अटकते झटकते वापस भी जाना है। भूख बहुत तेज लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, बट स्टिल अभी देखते हैं रास्ते में, फाइंड आउट करते हैं क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला। ये छोटे छोटे बच्चों से भी मिल लो, देखो हंस रहे हैं इतनी खुश है किस बात की देखो अरे मुझे इनको देख कर बड़ी हंसी आ रही है। क्यों भाई क्यों सर, चलो कोई बात नहीं। ओके इसको मैं एक बस इसकी स्पेशल वीडियो दिखा दूंगी, हंस क्यों रही है। ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं वाइंड अप कर दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम, एंड प्लीज कमेंट में जरूर बताना क्या पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा ब्लॉग का। ट्राई टू बी कि मैंने 16 ट्राई करा है, बट लेट इट बी, देखते हैं। और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।